बताया, आज हमने इनको अप्रिसिएशन भी करी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो आगे यंगर जनरेशन्स हैं, ये उनको अलग अलग ज़िलों में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करते हैं ये देश से। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है एलजी सिन्हा साहब का और जो देश का वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी जी, उनका ये पूरे देश पे प्रायोरिटी है कि हमारे बच्चे जो हैं नौजवान खेल कूद की तरफ कैसे बढ़े, अलग अलग स्पोर्ट्स में वो कैसे अपना हिस्सेदारी करें। और इस वक्त खासकर जो बहुत बड़ा हमारी यंगर जनरेशन्स के लिए चैलेंज है, जो नशा है, नशे से डाइवर्ट करके जो स्ट्रेस है इस वक्त, सोशल मीडिया का ज़माना है, इससे बच्चे निकल के फिज़िकली स्ट्रांग हों। और जम्मू कश्मीर में सिन्हा साहब की और देश की जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो रहनुमाई है, उनका ये प्रायोरिटी है कि स्पोर्ट्स ज़िलों से ब्लॉक में और पंचायत में कैसे बढ़े और हमारे बच्चे जो हैं वो कैसे खेल कूद की तरफ आए। और हमारी कोशिश रहेगी, इन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया हमें कि जो कोचेस हैं अलग अलग इन्होंने कैटेगरीज़ में अपनी ट्रेनिंग करके आए हैं, इन्होंने अपना बताया, आज हमने इनको अप्रिसिएशन भी करी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो आगे यंगर जनरेशन्स हैं, ये उनको अलग अलग ज़िलों में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करते हैं ये देश से, अपनी मतलब काफ़ी पैसा खर्च के अपनी कोचिंग करके आए हैं। और इनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आगे यंगर जनरेशन्स को भी सिखा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम भी प्रशासन से इनका हमने मेमोरेंडम जो पढ़ा है उसमें ये है कि हम इनकी बात यहाँ भी जो भी अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है हम इनकी बात रखेंगे और इनका रिड्रेसल भी होगा। और हम इनको फिर से मुबारकबाद देंगे कि एक बहुत बड़ा पॉइज, एक पवित्र काज है कि नशा और हेल्थ की तरफ इस स्ट्रेस के ज़माने में एक ये बड़ी अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि इनका मनोबल बढ़ा रहे और हम इनकी जहाँ भी मेरे लायक जो भी होगा एलजी प्रशासन जहाँ देश में जहाँ भी इनकी बात रखनी होगी मैं ढंके की चोट पे बात रखूँगा। किस तरह से मदद करेंगे? देखिए, सबसे इनकी बड़ी बात ये है कि इनको एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ जनरेट हों। अगर ये ट्रेनिंग करके आए हैं तो ये हमें हर हायर सेकेंडरी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल हाई स्कूल लेवल पे, प्राइमरी स्कूल लेवल पे, मिडिल लेवल पे और इस तरह और भी जो हमारी एनजीओस हैं, जो प्राइवेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास स्पोर्ट्स का, हम चाहेंगे कि इनके लिए जो नौकरियाँ हों वो जनरेट हों और इन ये भी अपना ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें और इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स की हमारी कोशिश रहेगी। आज इंजीनियर गुलाम अली जी जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के जो कोचेज़ हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के टॉप लेवल के जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग करके जो ये युवा साथी हमारे आए हैं इनको इन्होंने सम्मानित किया है, सर्टिफिकेट दे के सम्मानित किया है और ख़ासकर इस बात के लिए सम्मानित किया है कि इन ये कोचिंग करके अपने ट्रेनिंग करके अपने जम्मू कश्मीर के युवाओं को आगे ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको एक सही ट्रैक पे उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ जो है ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत कारगर साबित हो रहा है और इसमें हमारे ऐसे युवा जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको हम शुभकामनाएं देते हैं। और इनका इशू कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, जैसे एमपी साहब ने कहा कि इन्होंने मेमोरेंडम भी अपना दिया है, उसमें इनका एक ही इशू है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 15 वर्षों से कोचिज की जो है पोस्ट वो एडवर्टाइज नहीं हुई है। पूरे जम्मू कश्मीर जितने भी हमारे स्टेडियम्स हैं वहाँ लगभग कोचिज नहीं है, वहाँ युवा जाते हैं वो वहाँ खेलने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रॉपर कोच नहीं होने की वजह से उनको वो जो है माहौल वहाँ पर नहीं मिलता है, वो टीचर वहाँ पर नहीं मिलता है, कोच नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है। तो इसलिए इनको आज अप्रिशिएट किया गया है
गुलाम अली जी की तरफ से, और इनके इन्होंने मेमोरेंडम भी दिया है कि हमारी पोस्टें एडवर्टाइज होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी की फिट इंडिया मूवमेंट को ये आगे बढ़ा रहे हैं, इनको भी मुबारकबाद देते हैं, और प्रधानमंत्री तक भी हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कोच की पोस्ट पिछले 15 वर्षों से एडवर्टाइज नहीं हुई हैं, वो यूटी गवर्नमेंट को हिदायत दें कि वो करें, ताकि हमारे युवाओं को फिट इंडिया मूवमेंट के साथ और अच्छे तरीके से हमारे ट्रेंड युवा जो हैं वो जोड़ सकें। जी सर, हमारी यही डिमांड है कि पिछले जो हम आज सारे जो हैं कोचिज एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और हमने एक मेमोरेंडम दिया, जो कि सारे क्वालिफाइड कोचिज हैं, साई NIS क्वालिफाइड कोचिज जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है 1 ईयर का। तो हमारी यही डिमांड है कि पिछले 15 सालों से, कोई 12-15 साल हो गए हैं, अभी तक जो है वो JNK UT में हमारी कोचिज़ की पोस्टें एडवर्टाइज नहीं हुई हैं। और अगर बात की जाए तो अभी तक सिर्फ 40 से 45 कोच ही रह गए हैं, और वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता रिटायरमेंट में आ रहे हैं, लेकिन जो न्यू रिक्रूटमेंट है वो फिल नहीं की जा रही है। तो एक इस पे RTI भी था, इसमें किसी ने दिखाया था, जिसमें लिखा हुआ है कि 43 पोस्टें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन वो रेफ़र नहीं की जा रही हैं JKSSB या जिस भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को प्रॉपर तरीके से जो निकाले हमारी पोस्टें, ताकि जो हम आने वाले जितने भी हम कोचिज़ हैं, युवा हैं, वो अच्छे से हम एक प्लेटफॉर्म पे कोई हमें मिले जो जिसमें हम कोचिंग कर पाएँ, जिससे हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। कितने कोचिज़ होंगे जम्मू में से जी सर? कोई लगभग कोई 40 के करीब होंगे जो पूरे जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने ये डिप्लोमा हासिल किया होता है इंडिया लेवल में। पहले तो यहाँ पे सीट ही नहीं मिलती है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं, 4-5 तरह के टेस्ट दिए जाते हैं, फिर वहाँ पे जो है और भी हर एक स्टेट से, हर एक दुनिया के अपने कंट्री के जितने भी हर एक स्टेट हैं, सारे वहाँ पे आते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, और सीट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, तो वहाँ से जो है वो हमने डिप्लोमा किया हुआ है, सीट ही मिलना मुश्किल है, और वहाँ से जो है डिप्लोमा हासिल करके अब हम JNK में आए हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ के प्लेयर्स निकालें, और ताकि यहाँ के प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे जो है कुछ मुकाम हासिल करें, क्योंकि हमें वहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग दी गई है जिससे हम एक इंटरनेशनल प्लेयर तैयार कर सकते हैं।